नहीं, कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जो साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन में भी, तो जिसके ऊपर जो है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे जो वॉलेंटियर्स है, डिजिटल वॉलेंटियर्स, उनको एक्टिव किया हुआ है, और कुछ अवेयरनेस भी जो है पुलिस इसमें जनरेट कर रही है कि यदि आपके पास जो है इस तरह का कोई मैसेज, जो अभी हाल ही में कुछ ऐसे लेटेस्ट में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अब कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो ये जो साइबर ठग्स है ऐसी बातों को जल्दी एक्सप्लॉइट करते हैं, तो यदि आपके पास इस तरह का कोई मैसेज अगर एसएमएस से आया हुआ है कहीं से, तो कृपया जो है आपको अलर्ट किया जाता है कि इसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें, और जो भी लिंक आती है लिंक को बिल्कुल ना खोलें। तो फिर वो जो है या तो कोई ओटीपी मांगता है, तो किसी भी प्रकार की ओटीपी शेयर ना करें, बात भी ना करें, कोई अनजान और स्ट्रेंजर आदमी होता है तो बिल्कुल फ़ोन भी ना उठाए उसका। तो ऐसे ही जो है इनकम टैक्स से भी कुछ मैसेज वो देते हैं कि आपको रिफ़ंड आने वाली है, तो ऐसे भी जो है ये प्रलोभन इस टाइप के कि आपको रिफ़ंड मिलने वाला है, उस प्रलोभन पे भी जो है आप उस पर शिकार ना हो, और जो है ये साइबर ठगों से सावधान रहें।